जनता से माफी मांगने भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? कहाँ नहीं पट रहे, कहाँ दारू पट रही है? पूरा प्रदेश देख रहा है, अधिकारी आरंग में, पुलिस अधिकारी आरंग में दारू बांट रहा है, पुलिस अधिकारी वीडियो वायरल है, आप देखिए अधिकारी भाजपा का पोस्टर फाड़ रहा है, आप देखिए। तो चलिए मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ सुबीर जी, बड़ा चिंता की विषय है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब देखिए, अगर हत्या हो रही है तो जिस तरह से आपने डायरेक्ट पेपर निजी प्रेस में छप रहा है, अब देखिए आज तक कभी निजी प्रेस में डायरेक्ट पेपर छपा नहीं। अब देखिए, मान लीजिए अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो आपने जब एक साल जब सरकार को हुए उसकी नाकामियों को लेकर एक सीडी बनाई, तो इस तरह की कुछ वीडियो भी बनाइए, सामने लाइए, पेश कीजिए, इस तरह से आरोप लगाने से क्या होगा? सोभी जी, आज हमारा प्रेस हुआ है, बैलेट पेपर अतिरिक्त छपे हैं, बैलेट पेपर रोड पे मिले, माननीय राजेश मूणत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, हम अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं और विपक्ष की धर्म निभाते रहेंगे, चाहे ये फिर इसको जाति से जोड़े, चाहे ये इसको संस्कृति से जोड़े, पर हम अपने विपक्ष का धर्म निभाएंगे। प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा, और इसके लिए सरकार को जो आईना दिखाना है हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, और सुरेंद्र जी से जवाब मिले, कल जो होने वाला है वो चिंतनीय विषय है। मेरा प्रश्न है कांग्रेस प्रवक्ता से कि बैलेट पेपर जो रोड में पड़े मिले हैं वो कैसे मिले हैं? ठीक है, जवाब मिलेंगे प्रेस में। ठीक है, अभी जो आपकी प्रेस में आपने बैलेट पेपर छपाया है, इस प्रश्न का जवाब देना चाहती है आप। थोड़ा सा उनको भी समय दीजिए, जवाब आने दीजिए, फिर आपको भी और मौका देंगे हम। सुरेंद्र जी, जी सवाल कुछ कर रहे हैं अवधेश जी आपसे। शर्मा जी, जी शर्मा जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है कि कितनी घृणा है इसको छत्तीसगढ़िया और लोगों से, और जिस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, अंतागढ़ में किसने लोकतंत्र का गला घोटा है, छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है किस प्रकार से ये शायद अवधेश जी बताना चाहते हैं कि तीन तीन बार रमन सिंह की सरकार कैसे बची, किस प्रकार से प्रशासनिक दुरुपयोग किया जाता था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा साफ झलक रही है, जो जिस प्रकार से लूट और भ्रष्टाचार का खेल इनके द्वारा खेला गया, स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा करके करीना कपूर और सलमान खान पे लुटाया जाता था, तो असल में इनको पीड़ा है छत्तीसगढ़ की, जो विकास जो एक साल में, हम तो शर्मा जी नगरीय निकाय चुनाव हमारे द्वारा किए गए एक साल के विकास पे लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 60% से अधिक वादे जो हमने घोषणा पत्र में 5 साल के लिए किए थे, जो तमाम बड़े वादे, बिजली बिल हाफ नहीं करने की बात, ये झूठा भ्रम फैलाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति जानता है कि 400 यूनिट तक के सारे बिजली के बिल हाफ कर दिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है, इनके मायने विकास के मायने यही है कि घटिया स्काई वॉक बनाया जाए, एक्सप्रेस वे बनाया जाए जिसमें कमीशनखोरी का लंबा खेल हो, जो उसके उदाहरण। सुरेंद्र जी, आपके मुताबिक विकास के क्या पैमाने होने चाहिए? निश्चित रूप से देखिए शर्मा जी, छत्तीसगढ़ या संस्कृति परंपरा को भी मान सम्मान मिलना जरूरी है, जो विकास हुए हैं। हाँ, मैं बता दूं इनके द्वारा शिक्षा, पूरा विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? शिक्षा में 150 स्कूल तो अभी हमने शुरू करवाए हैं, जो बस्तर में इनके द्वारा बंद कर दिया गया था, हजारों की संख्या में यहाँ पे जो स्कूल है उनको मर्ज करके दूसरे में जोड़ा गया था, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी, हाट बाजार चिकित्सा योजना शुरू करवाया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार से शिक्षा की दुर्दशा थी उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नरवा गरवा गुरुआ पानी जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा ये 60 पन्ने का है शर्मा जी, विभाग भर जानकारी है इसमें, एक साल में किसानों के लिए आपके क्या ये दिख रहा है आज कल ही शर्मा जी 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 कहिए बात की पूरी दीजिए। कल ही केंद्र का पत्र आया, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि 1815 से ऊपर नहीं दिया जाए, लेकिन भूपेश बघेल जी ने वादा किया कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे और पूरा का पूरा 2500 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जेब में डाला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। कब तक खरीद लेंगे? और जिन्होंने भेज दिया तो उनके खाते में कब तक पैसा पहुंच जाएगा? ये अभी कमेटी बनी है, जिस प्रकार से रायतू योजना है उड़ीसा में है, 2 महीने के अंदर आ जाएगा। अवधेश जी आप चिंता ना करें, आप नहीं चाहते हैं, देश भर में 90% जो किसान है अपना लागत नहीं निकाल पा रहा है, जो अर्थव्यवस्था की मंदी है छत्तीसगढ़ में उसका मंदी बन चुकी है, जो कमेटी है 5 मंत्रियों की बन चुकी है। आपके कार्यकाल को याद करिए, 6 महीने पेमेंट नहीं आते थे, पर किसानों को बोनस नहीं मिला। किसान समृद्ध है छत्तीसगढ़ का, किसान जितना समृद्ध है देश में कहीं भी नहीं।
किसान को बोनस देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। किसानों को कांग्रेस सरकार पे और भूपेश बघेल जी पर पूरा भरोसा है और भूपेश सरकार को जनता पे भरोसा है। अच्छा सुरेंद्र जी, एक छोटा वादा खिलाफ कौन करता है और कौन सरकार वादा निभाती है, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। अवधेश जी, सुरेंद्र जी एक और छोटा सा सवाल है, जिस मौके पर आपने इस मुद्दे को उछाला है निकाय चुनाव में, फायदा मिलेगा, जीत मिलेगी, जलवा बरकरार रहेगा जो विधानसभा में था? शर्मा जी, शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे आपके सीएम जी जो है सात गांव पर है, विकास के मुद्दे पे प्रचार के दौरान लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जिस प्रकार से नफरत और घृणा का भाव रमन सिंह जी के मुंह से निकला है, ये इनका असली चेहरा है। छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान से कोई भी समझौता और इस प्रकार की जो बयान है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। जिस प्रकार से हमने काम किया है, शहरी क्षेत्रों में बोले छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू कराई, डाइवर्सन के नियमों का सरलीकरण कराया, जिस प्रकार ठीक है, घोषणा पत्र से 5 साल का घोषणा पत्र है, विधानसभा के घोषणा पत्र में किसानों का मुद्दा था। आपको अगर चिंता होती तो बता रहे पूरा थोड़ा सा मौका दीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? ठीक है, जो मुद्दे हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा है उनको उठाइए। तिवारी जी, आपसे सवाल है वही कि जिस बातों के मुद्दे को उठाया गया है, अब कल चुनाव है, नतीजों पर कितना असर देखने को मिलेगा, जलवा कांग्रेस का या फिर बीजेपी समझा ले जाएगी कि निकाय चुनाव में फायदे के लिए कांग्रेस जो है संस्कृति पर चोट कर रही है? चुनाव में हार या जीत तो अब जनता तय करेगी और कल मतदाताओं का रुख किस तरह होता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस को दिया, लोकसभा चुनाव में एक तरफा भाजपा को दिया, तो जनता का मूड क्या है, जनता कौन से मुद्दे पर किस तरह से भाजपा की तो आप भी जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि झुकाव किस ओर ज्यादा है, कांग्रेस की ओर है या बीजेपी की ओर है? यहाँ पर ज्यादातर कांग्रेस की तरफ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ सरकार है, स्थानीय निकायों में जो है कांग्रेस का अपना प्रभाव होता है, सत्तारूढ़ दल का फायदा होता है और कांग्रेस में सक्रियता ज्यादा दिख रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, इसलिए कांग्रेस को कहीं कहीं कई इलाकों में फायदा दिख रहा है। चलिए अग्निहोत्री जी, ओवरऑल इस पूरे मुद्दे पर जो है आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, वैसे मेरी नजरिए से देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह के बयान में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि जो राम अवतार तिवारी जी ने जो विश्लेषण किया उससे मुझे लगता है कि वाकई उनका समय जो है, इस टिप्पणी का जो समय है जी, मौका ठीक नहीं था जी, क्योंकि कल ही वहाँ पर वोटिंग होनी है 51 नगरी निकायों के लिए, तो मौका सही नहीं था। और वाकई कांग्रेस इस मुद्दे को यदि भुनाती है तो एक बहुत बड़ा उसके पक्ष में बात जाएगी, तो देखने वाली बात होगी कि कल जो वोटिंग होती है उसमें इस सियासत का, जो संस्कृति पर चोट की जो सियासत है, उसका कितना असर पड़ता है उसको भी। ठीक है अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े और तिवारी जी आप भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अवधेश जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों को कल जो निकाय चुनाव होना है उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ में संस्कृति पर जो सियासी घमासान छेड़ा है उसके दो मायने निकाले जा रहे हैं, इसमें एक है राज्य की संस्कृति के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाना और दूसरा है अपना फायदा। चूंकि इस समय निकाय चुनाव है, ऐसे में मतदाताओं को मत हासिल करने के लिए यह सत्ता पक्ष की ओर से बिना वजह उठाया गया मुद्दा हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने वाकई आरोप की आड़ लेकर अगर संस्कृति पर चोट की है तो फिर मसला गंभीर है, क्योंकि जब अपने वर्चस्व के लिए राज्य की संस्कृति पर चोट होने लगे तो फिर जनता का भला और प्रदेश का विकास कितना होगा, इसका आप और हम आसानी से आकलन कर सकते हैं। खैर, संस्कृति पर उठे सवाल से निकाय चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा होता है या फिर बिना प्रभावित हुए नतीजे सामने आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां अतिथि विद्वानों की मांग को लेकर राजनीति जोर पकड़ती ही है। तो चलिए जनता मांगे जवाब में अब चर्चा अधर में अतिथि पर।